हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने आंवले को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और इसका थोड़ा सा काला भाग निकाल देंगे और आंवले को हम ग्रेटर से ग्रेट करने वाले हैं ताकि अच्छे लच्छे दिखे। आप चाहो तो छोटे ग्रेटर से भी इसे कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ा ग्रेटर लिया है। थोड़े से अच्छे दिखते हैं लच्छे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कद्दूकस कर लिया है एक आंवले को और बीज को निकाल देना है। उसी तरह से हमने सारे आंवले को कद्दूकस कर लिया है, बीज को हटा दिया है। जितना आंवला है उतना ही गुड़ लेना है या फिर चीनी। गैस ऑन करके हमने स्टील का पतीला रखा है। आप चाहो तो स्टील की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। गुड़ को डाल दिया है। गुड़ को हम हल्का सा मेल्ट करेंगे। हल्का सा ही मेल्ट करना है। ये देखिए गुड़ हल्का सा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आंवला। ये देखिए कद्दूकस किया हुआ आंवला हमने डाल दिया है। आंवला डालने के बाद इसे सभी साइड से अच्छे से मिला देना है। देखिए अच्छे से मिला देना है। गुड़ और आंवला अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद आंवले को थोड़ा सा पानी छूट जाएगा। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा पानी छोड़ चुका है आंवला। एक बार चलाकर और एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पानी छूट चुका है। चलिए इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और एक बार बीच में से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेना है और चलाकर फिर से ढक देना है। ये देख सकते हो आप, 10 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाकर फिर से चेक किया है। सारा पानी सूख चुका है। चलिए अच्छा सा हमने मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे इलायची की पाउडर। दालचीनी और इलायची का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसमें। इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिला दिया है हमने। देख सकते हो अब सारा पानी सूख चुका है। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसे और एक बार ढक देंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ। ढक्कन को हटा देंगे 2 मिनट बाद और फिर एक बार इसे चलाते हैं। ये देखिए फिर से एक बार हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मुरब्बा हमारा तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं।
इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना है और इसे फ्रिज में रखकर आराम से इसे खा सकते हो। बहुत ही गुणकारी और पौष्टिक होता है आंवला हमारे लिए। इस तरह से एकदम झटपट से इंस्टेंट बिना झंझट के बनाइए, खाइए।